सर्वदाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनामि त्रिवारसवानि देवि दयिताय कृपात्रये कृष्णसमर्थविकासदायिने प्रभवे नमः माधुर्यजलप्रमाढ श्रीरूपानुगभक्तितः श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्रीरूपानुगभिरुधाव सिद्धांत दंतहारिणे नमः गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसंबुधे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौरवाविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दावानल सम संसार दहने दग्ध जीव कोल उधार कारणे करुणा वारिद कृपा वारिदने वंदिसे गुरु चरण कमल नृत्य गीत वाद्य श्रीहरि कीर्तने रहे न मगन महामत मने रोमांच कंपाश्रु हरि गौर प्रेमी वंदिसे गुरु चरण कमल सदरत जिनी विग्रह सेवने श्रृंगारा दियार मंदिर मार्जने करिना निजुक्त अनुगत जने वंदिसे गुरु चरण कमल सर्वशुशल प्रियर समय प्रसादर्ण कृष्णे अति स्वादु है भक्त आस्वादनी निज तृप्त रहे वंदिसे गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुनी अनंत माधुर्य लीला स्वादने लुब्ध चित जिनी अन प्रतिक्षणे वंदिसे गुरु चरण कमल ब्रज युव द्वंद रति संवर्धने युक्ति करे सखे चन वृंदावने अति दक्षता है प्रियतम गने वंदिसे गुरु चरण कमल सर्वशास्त्रे गाए श्रीहरि स्वरूप भक्तगण भावे सही अनुरूप किंतु जिनि प्रभुर प्रियतम रूप वंदिसे गुरु चरण कमल जहर प्रसादे कृष्ण कृपा पाए जार प्रसादे अन्य गति नाए त्रिसंध्या कीर्तिरा स्तव ध्याने भाए वंदिसे गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति जत्न करी ब्राह्मे मुहूर्ते पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि
सेवा पाए से वस्तु से बेकाल बंदी से गुरु चरण कमल गुण सिंधु गुरु चरण जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा कृष्ण हित चतुर्मुखा अन कृष्ण सेवन ब्रह्म हित नारद माती नारद हिते व्यास मध्व कै व्यास दास पूर्ण प्रज्ञा पद्मा नावगाते निहारी माधव वंशे अच्छा भरमे इष्टबले अंगीकार करे अक्षर से सजया तीर्थ नाम परिचय तारदास ज्ञान सिंधु करे कहित दयानिधि तारदास विद्यानिधि राजेंद्र हैल ते तहार किंकर जय धर्म नमी परिचय परंपरा जन भला माते जय धर्म दास चाते त्रिपुरो स्वतमाजते ते ब्रह्मन्न तीर्थ तोरी व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहिते माधवेन्द्र भोरी माधवेन्द्र भोरी वर सिद्ध वर नित्यानंद श्री अद्वैत वीरो ईश्वर पुरी चैतन्य करिलेन श्री चैतन्य जगद्गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन रूपानुगज निरजीवन विश्वंबर प्रियंधर विश्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीवर काल प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा वर सार्वद विश्वनाथ आस विश्वनाथ भक्त सार बलदेव जगन्नाथ सार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गरकेश्वर वर हरिभजन तेजार मोद श्री भार्गवान विवरा सदा शिव सेवा परा तार दरित दासना प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रजान गौरी वेदांत वेता मायावाद समांत गौरवाणी प्रचारिणी धाम केशव प्रिय महाजन वाम नारायण गौरवाणी खादर प्राण धन हे सब हरिजन गौरांग रंगजन खादर उचित मर काम गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गान प्रथमे वंदना करी सबर चरण
नीलाचलभासी जत महाप्रभुर्गण भूमिते पड़िया बंद सभार चरण नवदीपवासी जत महाप्रभु सवार चरण बंद अयानुरक्त महाप्रभुर्भक्त जत गौड़ा देश से सवार चरण बंद करिया प्रणति जद से जद से वैसे गौरांगी बंद सवार चरण आया के न आई बिना प्रभु जत दास सवार चरण बंद संत करी दास ब्रह्मांड तरिते सके धरे जने जाने हे वेद पुराणे गुण गाए देव सोने महाप्रभु गण सब पति सब गाय लोग मुनि पापि गाय मुसर वंदना करि मोहि सत सति भाव जगत दुर्लभाय प्रेम धन लो मनेर वचन पूर्ण चिरतिहाय देवकी नंदन दास जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर शिवसदि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे पतित पवन हेतु सब अवतार मुसम पतित प्रभु ना पाई विहार हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सोखे कृपा बलो तना कर आमी बड़ दोखे दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बल पाए आ प्रभु नित्यानंद सगुनाथ भटजुग से जीवा प्रभु लोकनाथ दया कर प्रिया कार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र चंद्र मे नरोतम दास दया कर प्रभु हृदय दास सुध वैष्णवेर कृष्ण मे हे आधम दास कृपा कर गुरु देव पतित पावन वितरणी सेवा मगे हे
पतिता जा दया निताय दयाल गौ दया निताय दयाल गौ दया निताय दयाल गौ दया निताय दयाल अजीव जाग जीव जाग गोरा चंद बोले कत नित्र जाओ माया पिशाची रखोले भजे बबली आए से संसार भितरे भुलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भोरे तुम्हारे लहिते आमी हैनो अवतार आमी बिना बंधु बोल के आचे तुम्हार एने छे औषधी माया नासी वार लागे हरि नाम महामंत्र ला तुम्हें मागे बचाते विनोद प्रभु चरणी पड़े आसे हरि नाम महामंत्र लाई ला मागे जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि जय जय हरि नाम निकल जय जय हरि नाम जय जय हरि नाम चिदानंद अमृत धाम परतत्व अक्षर आकार निज जनी कृपा करे नाम रूपे अवतरे जीव दया कर पार जय हरि कृष्ण नाम जग जन सर्वजन मानस रंजन निरंतर जना मेरा समात कर गाए भरिया दान ओहे कृष्ण नामाकर तुम्हें सर्व सत्य धर जीवेरा कल्याण बीतरणे तुमा बिना बाबा सिंधु उधारिते नाही बंधु आशियाच जीवा रानी अचे ताप जीवे जत तुम्हें सब करत हेलाया तुम्हारे एक बार ताके जदी को न जाना होए जीना चिंतना नाई देखे अन्न प्रतिकार तब स्वल्प सूति पाए उग्रताप दूरे जाए लिंग भंग आए अनाया से भक्ति विनोद कहे जय हरि नाम जय हरि ताकि तुआ पद जय हरि नाम जय हरि नाम हरि नाम जय कृष्ण नाम जय हरि नाम जय हरि नाम हरि नाम जय हरि नाम राधा कृपा कटक स्तोत्र बोले मुनीन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेन्द्र चिराग को डाक दे चिराग कौन कर
कल्पकुलम महाराज कदा करी सते अमां कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष भल्लरि बितान मंडपस्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभया स्फुरत्तरे प्रभूत संपदालये कदा करी सती अमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुराभुवम सभी भ्रमं सकाभ्रमं श्रीगंतवायन पातन निरंतरं वशीकृत प्रतीति नंद नंदने कदा करी सती अमं कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दु विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचन सदा करी सती अमं कृपा कटाक्ष भाजन मधोन्मदादि जौवने प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन्न कुंजराज काम केली कोविदे कदा करी सती अमं कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव भावधी हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तने प्रशस्त मंद हास चूर्ण पूर्ण सौप्य सागरे कदा करी सती अमा कृपा कटाक्ष भाजन ऋणाल बाल भल्लरि वितान मंडपस्थिते अनिल लोचनावलोकन लल्लुलन मिलन मनोज मुग्ध मोहन कदा करी सती अमं कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख तंबुकंठके त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीदिति सलोल नील कुंतल प्रचूर्ण गोच गुंठिते कदा करी सती अमं कृपा कटाक्ष भाजन नितंब बिंब लंब मा पुष्प मेखरा गुणे लाप्यमाद मंजुले करींद्र सुंद दंडिका बरोह सौभ गौरुके कदा करी सती अमं कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजु नुपुरार बस्थल समाज राज हंस बंसनी कुनाति गौरव बिलोल हेम भल्लरी विडम्ब चारु चक्रमे कदा करी सती अमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि ऋग्धि दिग्ध सत्पदांगुलीन के सदा करी सती अमा कृपा कटाक्ष भाजन मकेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनी रामेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके श्रीराधिके नमस्ते।
इति माधुतास्तव निशाब्न भानु नंदिनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेतदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम भवेतदावृजेन्द्र सुनुमंडल प्रवेशनम तदा करी प्रसीयम कृपा कटाक्ष भाजनम सुचारुमक्रमंडलम सुकर्णरत्नकुंडलम सुचार्चितांग चंदन नमामि नंदनंदन सुदीघ्रनेत्र पंकजम शिखेशिखण्डमूर्धजम अनंगकोटिमोहनम नमामि नंदनंदनम सुनासिकाग्रमौक्तिकम् स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकम् नवाम्बुदाङ्गचीकनम् नमामि नन्दनन्दनम् करेण वेणुरञ्जितम् रसिकरीन्द्रगन्धितम् सुकुलपीतशोभनम् नमामि नन्दनम् त्रिभङ्गदेहसुन्दरम् नकादुतेसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणम् नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्धाङ्गसौरव पुराविराजिकौस्तुभम् पुरा श्रीवत्सलाञ्चनम् नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावन सुनागरम् विलासनुगवासकम् सुरेन्द्रगर्भमोचनम् नमामि नन्दनन्दनम् प्रजाङ्गनासुनायकम् सदा सुखप्रदायकम् जगन्मनोकलोभनम् नमामि नन्दनन्दनम् त्रिनन्दनन्दनाष्टकम् पठेद्य साधयानितम् करेद्भवाप्सि दुष्करम् लभे सदाङ्घ्रियुग्मकम् नमामि नन्दनन्दन नमामि नन्द जगन्नाथाष्टकम् कदाचित् कालेन्दे तटविपिना सङ्गीततरल मुदा भीरिनारी बदन कमलास्वादमधुप रमा शम्भु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सेव्य वेणु शिरसि सिखि पीछं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्ष विदधते सदा श्रीमत् वृन्दा बनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे बसन प्रासादान्त सहज बलभद्रेणबलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारभार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमा वाणी राम सुरदमल पंकेरुह मुख सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ गाचन पथि मिलित भो देव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण सदय
दया सिंधु बंधो जकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे परम ब्रह्म पीडम कुबलयोदल फूलनयन निवासी नीलाद्रौ निहित चरोणन्नंत शिरसि रसानंदी राधा सरसवपुरांगिन सुख जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवैजा चिरम्या सकमाणिकविभवं नजाचे अहम रम्या सकल जन काम्यांबरवधु सदा काले काले प्रमथ पति नाम गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे हर त्वं संसारम द्रुततरम सारम सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरां जाधवपते अहो दीननाथे नीतचरोण निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव जगन्नाथाष्टकं पुण्यं जपठेत् प्रजात सुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति जय राधे जय जय माधव दयिते गोकुलतारुणी मंडल माहिते जय राधे जय जय माधव दयिते दामोदर राति वर्धन बे ते हरि निस्फुट वृंदा विपिने अभृत भानुदादि नवसशीले के ललित सखी गुण रमित विसा करुणा गुरुमाई करुणा भरीते कनक सना जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Brahmanindi Hari Hari. Om Ajnanit Mirandasya Jnananjan Salakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah गुरवे गौरचंद्राय राधिका यय इष्टदालय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हाँ, हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे। कहते चार युग है, कितना युग है? चार युग में चार युग धर्म, मतलब हर युग में एक अलग 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 नाम है। जैसे सत्य युग में जो नाम था, बोलो क्या नाम था? गति। इसलिए कहते ये सत्य युग का लोग इसी मंत्र को जप करके उनका कल्याण होता था। फिर उसको बाद में त्रेता युग आया, तो जो त्रेता युग में अलग मंत्र है। क्या मंत्र त्रेता युग का? हाँ, कहते ये त्रेता युग का। द्वापर युग का? तब भी तो बोल रहे हैं ना। हाँ, कहते ये कहते त्रेता युग का लोग इसी मंत्र को जप करके उनका संसार से उद्धार होता था। और कलियुग का कौन सा मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ये कलियुग का महामंत्र है। तुम भी रट देना, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी चीज सीखनी चाहिए। तुम्हारी बहन क्यों नहीं आती है? पढ़ती है? हाँ, कल ही जाती है। हाँ, उसको बोल देना सवेर तक आ जाएगा। हाँ, इसलिए कहते ये चार युग का चार महामंत्र है। इसलिए कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आ करके उन्होंने कोई मनमानी से कोई नहीं बताया। देखो मैं ये बता रहा हूँ, महाप्रभु आकर के बोले ये कलियुग का जो महामंत्र है ये हरे कृष्ण महामंत्र कलियुग का। इसलिए क्या करो, सबके सब कलियुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो। महाप्रभु ये नाम को खुद करते थे, ये नाम को खुद करते थे बैठ करके, और दुनिया को यही नाम जगत में भी उन्होंने यही शिक्षा दिया है। कभी जो नाम है, सर्वप्रथम ये नाम किसकी मुंह से निकली है? कद किसने ये मंत्र को सबसे पहले किसने ये मंत्र को किसकी मुंह से निकला था, आपको पता है? कहते श्रीमती राधा रानी के मुंह से सबसे पहले ये मंत्र, राधा रानी के मुंह से ये मंत्र निकला है। हाँ, कृष्ण विरह में राधा रानी स्वयं ये मंत्र को निकाली। इसलिए भागवत का एकादश स्कंध में कहते जो नेमी और जो नव जोगेंद्र संवाद है, कहते वहाँ पर श्री नेमी महाराज जो नव जोगेंद्र बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, कहते कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुध पिपुलायन हैं चमस करभाजन, कहते ये बहुत बड़े बड़े नव बड़े बड़े योगी ऋषि थे। जब श्री नेमी महाराज का दरबार में आए तो उन्होंने सबको एक एक प्रश्न उन्होंने किया था। उनका एक प्रश्न था कलियुग का अवतार कौन है और कलियुग में उनको हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। जब उन्होंने प्रश्न किया तब श्री नव जोगेंद्र में एक जोगेंद्र कहते हैं बोले कृष्ण वर्णम तिसाम, बोलो कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधस। इसका मतलब है कहते कलियुग में
जो बुद्धिमान व्यक्ति होएंगे कलयुग में हैं, कहते वो किसको उपासना करेंगे, और कहते किसको उपासना करेंगे, बोले कृष्णा वर्णम, कहते ये कृष्णा जो दो अक्षर जिसको मुंह से हर समय ये कृष्ण नाम हर समय उच्चारित होगा हैं। बोले तिसाम, तिसांग मतलब होता है उनका शरीर का रंग कैसे होगा, बोले आ कृष्ण, आ मतलब नहीं, कृष्ण मतलब काले, वो काले नहीं होएंगे, वो श्री गोरे होएंगे हैं। सांग कहते वो क्या अकेले आएंगे, बोले अकेले नहीं आएंगे, बोले उनका साथ में अंग, अंग मतलब उनका नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य आएंगे उनके साथ में, और उनके साथ में सब भक्त लोग आएंगे, जैसे उनको श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, उनकी शक्ति और राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, ये सब महाप्रभु अपना भक्त लोगों को साथ में कलयुग में आएंगे। ये तो हो गया कलयुग का अवतार कौन है, श्री सच्चिनंदन गौर हरी, श्री चैतन्य महाप्रभु। बोले उनको कैसे उपासना की जाएगी, बोले यज्ञ संकीर्तन प्रायई जजंति ही सुमेधस। कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होएंगे उनको कैसे उपासना करेंगे, बोले यज्ञ संकीर्तन प्रायई, बोले संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा उनको आराधना करेंगे। इसलिए कलयुग में जो यज्ञ है, यज्ञ किस लिए करते हैं, बोले यज्ञ में जब घी डालते हैं ना, आहुति डालते हैं, कहते जिन देवताओं का नाम पर आहुति डालते हैं, कहते वो देवता लोग उसको ग्रहण करते हैं, देवता लोग ग्रहण करके खुश होते हैं। और दूसरा चीज, जब उसमें घी में आहुति डालो, घी डालो आहुति में, कंडे में, अगर गोबर का कंडा हो उसमें हैं, उसमें घी डाला जाए ना, उसमें ऑक्सीजन बनता है, क्या बनता है, ऑक्सीजन उसमें बनती है, ये वायुमंडल के लिए भी ये अच्छा है हैं, ऑक्सीजन वायुमंडल में भी ज़्यादा होता है, एक तो देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं, और क्या होता है, ये वायुमंडल भी शुद्ध हो जाता है ये वायुमंडल। इसलिए कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होएगा क्या करेंगे, ये हरिनाम संकीर्तन को ही जप करेंगे हैं, ये हरिनाम संकीर्तन ही यज्ञ, यज्ञ के द्वारा जैसे वायुमंडल शुद्ध, देवता लोग प्रसन्न होते हैं, कहते उसी तरह जब हम ये हरिनाम कीर्तन करते हैं, इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जैसे कि पत्थर लो और पानी को अंदर में फेंको, क्या होगा बताओ, उसमें लहरी आएगी, उसमें लहरी आएगी, आएगी जाएगी, लहरी आएगी जाएगी, कहते उसी तरह जब हम भगवान की नाम जप करते हैं, कहते भगवान के नाम से क्या होता है, बोले सर्व पाप उपशमनम, हैं जितने सारे पाप संसार में हो रहे हैं, कहते सारे पाप को उपशमन हो जाता है, सर्व विघ्न उपशमनम, जितने विघ्न हैं, जितने पाप है, सबके सब नष्ट हो जाता है, हैं सारे पाप नष्ट हो जाता है, और सर्व उपद्रव समनम, जगत में जितने उपद्रव हो रहा है सारे उपद्रव भी संसार से नष्ट हो जाता है, सारे दुख कष्ट भी नष्ट हो जाता है भगवान की नाम कीर्तन के द्वारा। इसलिए प्रभु का नाम कीर्तन करने से सारे संसार में कहते मधुरम मधुरम में तत् मंगलम मंगलानाम, कहते जो भगवान का नाम है, कहते ये मधुर से भी मधुर है और ये मंगल से भी मंगल भगवान की नाम है, हैं। इसलिए पहले हमारे गांव में, पहले सब गांव में हमारे, अगर गांव में कोई महामारी है या संसार में कोई दुख कष्ट दिखने को पड़ता था गांव में, हमारे गांव में क्या करते थे, ये जो मृदंग लेते थे और मजीरा लेते थे और इसको लेकर के हरिनाम कीर्तन करते थे पूरा गांव गांव में, फिर अष्ट प्रहरी बैठाया करते थे, अष्ट प्रहरी मतलब पूरा 24 घंटा जहाँ पर कंटिन्यू पूरा गांव के लोग मिल करके दिन रात 24 घंटा वहाँ पर ये हरिनाम कीर्तन होगा। ये हरिनाम कीर्तन होते ही जितने दुख कष्ट होता था ना गांव में, सारे दुख कष्ट खत्म हो जाते, सारे दुख कष्ट। इसलिए अगर हमारे
घर में भी कोई दुख कष्ट हो क्या करो, घर के सब लोग बैठ जाओ, घर का सारे लोग बैठ करके अगर मजरा मृदंग ढोलकी होगा बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग मिल करके हरि नाम कीर्तन करते थे। हरि नाम कीर्तन करने से क्या होता है, धीरे 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 सब दुख कष्ट दूर हो जाएगा। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर जी का नाम है। इसलिए ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के खुद भी ये हरि नाम करते थे और जीवों को भी हरि नाम की जीव को शिक्षा देते, खुद करते थे और दूसरों को भी शिक्षा देते थे, तुम सबके सब क्या करो हरि नाम, सबके सब हरि नाम ठाकुर का हरि नाम जप करो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले कही लाम यही महामंत्र, कहते मैंने ये महामंत्र बोला, ये महामंत्र को सबके सब क्या करो नियमित पूर्वक निर्दिष्ट संख्या रख करके ये हरि नाम कीर्तन करो। ये हरि नाम कीर्तन करने से क्या होगा, जीवन में सब सिद्धि मिल जाएगी। सर्व सिद्धि क्या है, बोले भगवान के चरण कमल। अगर ठाकुर जी की चरण कमल मिल गया तो समझो जीवन में सब कुछ, तुम जीवन में सब कुछ तुमको जीवन में प्राप्त हो गया। इसलिए भागवत का एकादश स्कंध में वहाँ पर 3-4 श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय पर बोले धैयम सदा परिभवग्न अभीष्ट दोहम तीर्थस्पदम नूतम शरण्यम, वहाँ पर 3-4 श्लोक को द्वारा वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में आएंगे और ये कलियुग में क्या करेंगे, जिनके चरण को ब्रह्मा शंकर आदि जिनके चरणों को उपासना करते हैं कहते वंदे महापुरुषते चरणार बिंदम, ऐसे जो महापुरुष श्री सचिनंदन गौरहरी हम सब के सब उनका चरण कमल को वंदना करते हैं। इसलिए गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे महाप्रभु इस जगत में जो आए कहते चार ही कारणों को लेकर के आए, कितने कारणों को लेकर के आए, क्या क्या है, दो मुख्य दो गौण कहते दो साधारण कारण हैं और दो विशेष कारण हैं। जो दो साधारण कारण था वो क्या था, दो जो साधारण कारण था वो कौन सा क्या था, हाँ एक है श्री याद रखना, एक था श्री हरिनाम संकीर्तन, ये साधारण कारण, क्योंकि कलयुग का युग धर्म क्या हरिनाम संकीर्तन, कलयुग का युग धर्म। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं इन्होंने कलयुग का युग धर्म आया और महाप्रभु आने का समय हो गया, कहते ये दोनों मिल गया, ये साड़ इतना चिकता रहता है, इसलिए कहते ये कलयुग आ गया और महाप्रभु का आने का भी समय हो गया, दोनों समय हो गया। दोनों समय होने पर कलयुग में ये हरिनाम संकीर्तन को महाप्रभु आकर के हरिनाम संकीर्तन को दिया, कल हम लोग इसको सुन रहे थे। और जो साधारण में जो और एक जो मुख्य कारण है इसको याद रख लेना, कहते अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलहो समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचिनंदन। हाँ तो इसको थोड़ी याद कर लेना, बोले महाप्रभु कलयुग में इसमें बताए महाप्रभु कलयुग में आकर के उन्होंने जगत को किया दिया। कहते अनर्पित, अनर्पित मतलब होता है
जो वस्तु कभी अर्पित नहीं किया गया, बोले कभी किया नहीं दिया, बोले दिए हैं लेकिन कब दिया है, कहते महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते हैं, कहते ब्रह्मा का एक दिन में एक बार महाप्रभु आते हैं, ब्रह्मा का एक दिन में महाप्रभु एक बार आते हैं। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है, कहते ये ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग हैं। बोले 1000 चतुर्युग कितना होता है, जैसे कलयुग का जो परमायु 4,32,000 साल है, द्वापर युग का इसका डबल कर दो, और त्रेता युग को इसका 3 डबल कर दो, और सत्य युग को कलयुग का परमायु को 4 युग कर लो हैं। इसको कहते 1 चतुर्युग, इसको पूरा मिला दो, मिलाने पर जितना होगा 1 चतुर्युग, 4 युग मिल करके, कहते ऐसे ही 1000 जब चतुर्युग बीत जाती हैं तभी एक बार महाप्रभु जगत में आते हैं, हर कलयुग में नहीं आते हैं। जब महाप्रभु इस जगत में आते हैं फिर क्या होता है, महाप्रभु आने पर कहते महाप्रभु अकेले नहीं, पूरा गोलोक वृंदावन को महाप्रभु जगत में प्रकट कर देते हैं, और उसी समय में बड़े बड़े देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं, सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना ये भी चाहते हैं। क्यों, ये कलयुग में महाप्रभु आकर के ऐसे दुर्लभ प्रेम को देते हैं आसानी से, जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जो प्रेम के लिए बड़ी कठोर तपस्या की, उद्धव तो घास भूसा होकर के ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं, शंकर जी गोपी बन करके रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं, लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके बेलवन में तपस्या कर रहे हैं, नारद जी नारद कुंड गिरिराज के तलहट में नारद कुंड पर वहीं पर तपस्या किया, बोले क्यों कारण किया, बोले कारण है ये ब्रज प्रेम हमें मिले, राधा रानी की दासत्व तो हमें, राधा जी की दासी बनकर किंकर बनकर के हमें सेवा प्राप्त हो। लेकिन दूसरे दूसरे अवतार युग में जो कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन महाप्रभु कलयुग में इसको आसानी से दे देते हैं, बल्कि बोले ताली बजाते हुए थोड़ी सी हरिनाम कीर्तन कर लो, इसी से ही तुमको वो दुर्लभ प्रेम मिल जाएगा, आसानी से दे देते हैं। इसलिए सब लोग इसी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए कहते अनर्पित चरेंची रात, मतलब जो प्रेम बड़ी दिनों से नहीं दी गई हैं, अनर्पित चरेंची रात करुणयावतीर्ण कलौ, इसलिए कलयुग में भगवान करुणा करके भगवान कृपा करके कलयुग में अवतीर्ण हुए, करुणावतीर्ण कलौ और समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग, कहते क्या प्रदान करने के लिए, बोले जो उन्नत उज्ज्वल रस है, हैं कहते वो उज्ज्वल रस किया, बोले पार किया, गोपियों ने जैसे भक्ति करती थी पर किया प्रेम से, हैं कहते उसको श्री स्वभक्ति श्रियम, कहते अपना जो भक्ति हाँ जो राधा जी की जो प्रेम की जो शोभा, मतलब राधा जी की दासी बन करके, राधा रानी की दासी भाव बन करके जो भगवान की जो सेवा करना हैं, स्वभक्ति श्रियम, बोले हरि ही पुरट सुंदर दूती कदम्ब संदीपित सदा हृदय कदरे स्फुरत व सचिनंदन, वही हरि कलयुग में राधा जी का भाव और अंग कांति लेकर के हैं, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का रूप में उन्होंने अवतीर्ण हुए, तो राधा जी की भाव अंग कांति की कारण किया, बोले कारण है कहते मैं भूल जाऊं, मैं स्वयं कृष्ण इसको भूल जाऊं, अगर ये काला रंग रहेगा ना मेरे को तो याद रहेगा मैं वही कृष्ण हूँ, मैं एकदम भूल जाऊं मैं कृष्ण, मेरे को ये याद रहे मैं श्री राधा रानी, इसलिए राधा रानी जैसे एकदम गौरवर्ण, इसलिए महाप्रभु भी गौरवर्ण, इसलिए उनका नाम क्या गौरव हरि, गौरव मतलब श्री राधा रानी, हरि मतलब हरि, ये राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए अंत कृष्ण बहिरी गौरव, अंदर में तो कृष्ण है लेकिन बाहर में राधा रानी कृष्ण को ऐसा आलिंगन करके रखी,
बोले ऐसा आलिंगन क्यों करके रखी? कारण है राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर के महाप्रभु आएंगे। जैसे कभी कभी राधा रानी कृष्ण प्रेम में पछाड़ खाती हैं, हैं? राधा रानी सोच रही हैं अभी महाप्रभु भी तो ऐसे पछाड़ खाएंगे, और कृष्ण का शरीर कितने कोमल है, मक्खन से भी ज्यादा कृष्ण का शरीर कोमल। जब कृष्ण गिरेंगे मेरे प्रियतम को कष्ट होगा, अगर मैं कृष्ण को ऐसे आलिंगन करके रहूंगी जब गिरेंगे कृष्ण, लेकिन वो कष्ट किसको पर आएगा? मेरे ऊपर। वो कष्ट किसको पर हमें आएगा? वो कष्ट मेरे ऊपर में आएगा, मेरे प्रभु को कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए राधा रानी कृष्ण को ऐसे आलिंगन करके रखी, इसलिए अंदर में वो कृष्ण और बाहर में ये श्री कृष्ण सचिनंदन श्री गौरहरी राधा रानी। इसलिए कलयुग में ये दुर्लभ प्रेम को जगत में महाप्रभु देने के लिए आए, कहते ऐसे जो सचिनंदन, कौन है? श्री सचिनंदन। सचिनंदन नाम क्यों लिया उन्होंने? सचिनंदन नाम क्यों लिया? कारण है कहते अगर माँ की गुण अगर बेटे में आए ना, जैसे माँ की चेहरा अगर किसी बेटे में आए, वो बेटे को बड़े सौभाग्यवान माने जाती है, हैं? अगर पिताजी का गुण अगर बेटी में आती है, वो बेटी को बड़े सौभाग्यवान मानी जाती है। अगर उसका रूप आए, उसका गुण आए, बेटी को बड़ी सौभाग्यवान मानी जाती है। इसलिए कहते हैं हम किसको प्रणाम करते हैं? बोले श्री सच्ची नंदन, सच्ची माँ को जो बेटा है उसको प्रणाम करते हैं। कारण है जो सच्ची मैया ये बड़ी दयालु, माँ जसोदा से भी ज़्यादा दयालु श्री सच्ची माँ। जैसे कृष्ण ने मटकी फोड़ी है, मटकी फोड़ दिया ना, मैया ने क्या किया? उनको उखल में बांध दी। लेकिन महाप्रभु एक समय स्कूल से आए और रोज महाप्रभु गंगा में नहाने जाते थे, कुछ फूल पत्ता सब ले करके। इतने में महाप्रभु बोले मैया मेरे को दो फूल दो, दीप दो, धूप दो, गंगा पूजा करने में जाऊंगा स्नान करने। मैया बोली लाला थोड़ी सी रुक जा, अभी लेकर के आती हूँ। बोले अभी लेकर के आओगे? ला करके रखी नहीं उनने, जो डंडा था ना उठाया डंडा, और जितने मटकी फटकी थे फोड़ फाड़ दिए सबके सब। हाँ फोड़ करके महाप्रभु तो लौट पोट करके रोने लग गए, लेकिन मैया जसोदा ने कुछ भी नहीं बोली। सच्ची माँ ने कुछ भी नहीं बोली, लेकिन माँ जसोदा ने क्या किया? कृष्ण को बांध दिए, लेकिन सच्ची मैया कुछ नहीं बोली। जब उन्होंने महाप्रभु मटकी फोड़ करके लौट पोट कर रोने लग गए, जब महाप्रभु शांत हुए, फिर सच्ची माँ कहती बोले लाला तुमने इतना जो बर्बाद किया, किसका बर्बाद किया बताओ? अपना घर का ही तो बर्बाद हुआ है, हैं? अभी ठाकुर जी के लिए रसोई बनेगा, कैसे रसोई बनेगा? तुम तो हाड़ी फाड़ी से फोड़ फाड़ दिए, रसोई कैसे बनेगा? लेकिन भैया कुछ नहीं बोले। मतलब सच्ची माँ माता जसोदा से भी ज्यादा दयालु। इसलिए कहते हैं ऐसे जो सच्चिनंदन गौरहरी मेरे हृदय में स्फूर्ति हो, मतलब है महाप्रभु बड़े दयालु, महाप्रभु बड़े कृपालु। ऐसे जो महाप्रभु, हमारे अंदर में भी बहुत सारी दोष है, इसलिए बहुत सारी दोष हमारे अंदर में, इसलिए कहते महाप्रभु कृपा करेंगे तो हमारी दोष को महाप्रभु नहीं देख करके हमारी गुण के ही महाप्रभु ग्रहण करेंगे। कहते ऐसे जो सच्चिनंदन गौरहरी, हम सब के सब उनको प्रणाम करते हैं। बोले श्री सच्चिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, बोले श्री अद्वैत आचार्य की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की बोले श्री गुरुपाद पद्म की निताई गौर ब्रह्मानंदे।